उत्तराखंड का पलायन कैसे रुकेगा, आखिर युवा कब तो झुकेगा। इनकी आंखों में आप आंखों उठा के देखेंगे, सबकी आंखों में आंसू है। दोस्तों ये भी चाहते हैं होटल में जाते कहीं काम करते, 10,000-15,000 कमाते, लेकिन हमारा पलायन जाता है। धन्य है ये लोग, इनके माता पिता जो, या तुम्हारी पत्नी या बहने जो कहती भाई तुम घोड़ा खच्चर चला लो, अपना पेट पाल लो, यही वो लोग है। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते, चाहे हेलीकॉप्टर की हो, जो यात्रा संभवता हो पा रही है तो डंडी कंडी पार की है घोड़े खच्चर की वजह से। तो इस वक्त दोस्तों मैं हूँ घोड़ा पड़ाव यमुनोत्री धाम पे, और आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे जाम लगा हुआ है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ उन युवाओं का जो आज अपने पेट पालने के लिए घोड़े खच्चर को पाल रहे। अगर ये लोग भी चले जाते गांव छोड़ के तो शायद ये जो दिख रहे ये भी हमें नहीं दिखते। आज बड़ी बड़ी बातें होती पलायन को लेकर, लेकिन जो लोग पलायन को रोकने में कारगर साबित हो रहे, जो काम कर रहे, उनकी दुर्दशा आप देखिए। बताया जा रहा है 120 रुपया प्रति चक्कर इनसे घोड़े खच्चर का लिया जाता है, उसके बाद में सुविधा क्या मिलती है आपने देखा होगा, मैंने दिखाया, आपको केदारनाथ से दिखाया, यहाँ भी दिखाया, रास्ते में गर्म पानी, गर्म पानी छोड़िए कहीं जगह ठंडा पानी तक नहीं। दोस्तों ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और उसके बाद भी इनका कहना है कि हमारे चालान भी काटे जा रहे हैं। अब आखिर चालान किस बात के, जब ये लोग यहाँ पहुंच गए तो क्या करें, इनको यहाँ पार्किंग में खड़ा करें या डंगा फरकाएं। और ये गंदगी देखिए आप, स्वच्छ भारत अभियान, और देखे जरा इनकी हालत किस प्रकार से, बेचारे पाँव पकड़ पकड़ के लोगों को बिठाते हैं। कितनी दिक्कत होती है आपको यहाँ पर? दिक्कत ऐसी हो रही है जो रास्ते में है तो बुरे हाल है, और बहुत लंबा चौड़ा रास्ता, खड्डे इतने इतने, आत्री को हम पकड़ पकड़ से लाते हैं, कहाँ भी गिर सकता है आत्री, और रास्ते में पानी है और फोड़े फोड़े, और वो जंगलायत का रास्ता है, जिला पंचायत वालों का कोई रास्ता नहीं है, और 120 रुपए वो टैक्स का जा रहा। और यहाँ जो पार्किंग छोटा है इसमें हमारे को जो पार्किंग में नहीं लेंगे हमारे घोड़े केचर, तो हमारे को पुलिस मारती है, डंडी बरसाती है, हम कहाँ ले जाए घोड़े केचर, कहाँ रखे। तो कई घोड़े गिर गए पार्किंग से पिछले साल, आपको भी बहुत गिर जाते हैं जब टाइट हो जाता है रास्ते पे, तो घोड़ा खच्चर के लिए जब टाइट हो जाता है पार्किंग पे जगह नहीं रहती, तो कोई कई बार। तुम्हारा घोड़ा अपना है किराए पे ले रखा है? अपना घोड़ा है सर। तुम्हारा अपना? क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। कितना कितने साल के हो आप? 17। ये दीपक जी ये स्वेटर बता रही है, ये कोई रईस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अपने रोजगार ढूंढ रहा है। आप देखिए गाड़ी जब पुरानी जाती है तो कब से कूड़े में बिछाती है, ये इन खच्चरों को किसको बेचे, कहाँ डाले, कहाँ जाए, क्या करे क्या ना करे, ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों कहते हैं गरीबी गरीबी मिटाएंगे, गरीब हटाएंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से गरीबों को हटाया जाएगा अगर इन्हें सुविधा नहीं मिलेगी। जिला पंचायत में करोड़ रुपए का टैक्स आता है, उसके बाद भी कहाँ चला जाता है। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कि यहाँ की जो प्रशासन है ना, मैं इतना दुखी हूँ, सब लोगों ने वोट दिया है, देते हैं ना, यहाँ 1% किसी को, बंदरों की तरह सब खड़े हैं, मतलब कहीं ना तो बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे घोड़े खड़े करते हैं तो चालान काट देते हैं, पार्किंग ना तो पार्किंग न, यहाँ पे गंदगी, बैठे तो बैठे कहाँ, यहाँ से अचानक पत्थर आ जाए तो क्या है। मेरा एक मकसद ये है कि जितना टैक्स जा रहा है यहाँ से, एक साल केवल एक साल का टैक्स यहाँ लगा दो, एक साल का, बाकी तुम खा लो, बाकी वाला तुम खा लो। ये मैंने लगा बहुत बड़ी बात है, तुम एक साल की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे कम से कम जो इतने सारे लोग देखो यहाँ सामने दिखाओ, बंदरों की तरह खड़े हैं, है ना, हम लोग हम इंसान है, हम लोग इतना दुख होता है कि मतलब यार इतना दुख होता है कि जो सरकार है हम सपोर्ट करते हैं, पर जब मैं तो पर्टिकुलर बोल रहा हूँ दीपक बिजलवाण जो भी, जिनको लोग बहुत भरोसा करते हैं, जनता की तरफ क्यों नहीं देख रहे वो लोग। यहाँ पे अगर आपके पास सत्ता है तो यहाँ पे देखो ना, घोड़े खच्चरों की इतनी गंदगी, बहुत सारे इधर मर जाते हैं, कितना कीचड़ है, पर मैं सब लोग मतलब बोल नहीं सकते, हम गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग हैं, हमारी आवाज तो सुनी जाए। एक साल का केवल एक साल का टैक्स आप यहाँ पे पार्किंग बना दो बढ़िया से, बाकी तुम खाते रहो जितने तुम्हारा पसंद है, और रास्ता रास्ता आपने अगर कभी आप उधर से जाओगे ना सर आप लोग, तो मतलब अच्छे अच्छे घोड़े वहाँ पे दम बोल दे, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, ऐसा एक बार केवल बजट अंदर। क्या लगता है क्यों नहीं करते ये सब, ये सब खाने वाले हैं, सब दलाल हैं, ऊपर से जितने भी टेंडर किसको मिलता है। पहले तो झाड़ू नहीं मरते यहाँ पे केदारनाथ में, यहाँ यमुनोत्री में। दूसरी बात ये, झाड़ू मारते सफाई के बहुत पैसे मिलते हैं, झाड़ू मार दी तो वो भी
वो भी यमुना जी में गंगा जी में पढ़ना चाहिए नदियाँ होगी वही पढ़ना है। यहाँ पर 15 दिन हो गए, यहाँ पे अभी तक कोई झाड़ू नहीं लगा और जो यहाँ पे घोड़े कचरे हैं उनकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। और जो ये उत्तराखंड की सरकार है ना, ये जो हमने युवाओं ने मतदाता किया है, हम महारानी के लिए कहना चाहते हैं, स्पेशल अगर उत्तराखंड सरकार को बचाने है तो हमारी यमुनोत्री का रास्ता बनाए और हमारे घोड़े कचरों के लिए पानी की उचित व्यवस्था करे। नहीं तो यहाँ पर कोई भी नेता और कोई भी प्रत्याशी, यहाँ पे जितने भी घोड़े वाले हैं ना, सब लोग टैक्स देते हैं, 120 सबकी पर्ची सब काटते हैं। यहाँ पे जब हम लैट्रिन बाथरूम करने जाते हैं ना तो सबसे 10 रुपए लेते हैं लोग सबसे, किसी को तो पता कहाँ जाते हैं। हमारे पास अगर 500 का नोट रहता है ना, हम यहाँ झाड़ियों के पीछे जाते हैं, ऊपर जाना पड़ता है। हमने अगर टैक्स देते तो हमसे पैसा न लिया जाए, मजदूर से नहीं लिया जाए, सब लोगों को बोलता हूँ। और ये लोग पता क्या हो, सबसे पैसे लेते हैं वहाँ पे। मतलब जिसकी जेब में डर, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा वो तो तत्ती भी रो देगा और पैसा भी नहीं करेगा, चालान काट दे अब जाए तो जाड़ी में घुसना पड़ेगा। फिर सरकार दीपक भी जान इतना तो समझो कि मजदूरों को तुम लॉटरी का पैसा, तो मतलब बोलूं क्या अब यहाँ पे सब लोगों से पैसा ले, शर्म करो ऐसे। मतलब मैं तो मुख्यमंत्री आएगा भैया? अरे मुख्यमंत्री तो क्या बोलो, आया कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता है, वो तो दूसरी साइड, वो दूसरी साइड सांसद कोई नहीं आता यहाँ। विधायक अच्छा कभी गए तो विधायक साहब बाद में देखे किसने विधायक से आता है नहीं आते, बस सिर्फ मतदाता मांगने के लिए आते हैं। से देख देख जब आते नेता तो आप झंडे खड़े कर देते, काजू बादाम खिला दो। वोट मांगने के लिए नेता जरूर आएगा, उसके बाद और नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे उसके बाद जीतते नहीं, बिल्कुल कोई नहीं आएगा। जब उसको कुर्सी मिल जाती है ना तब वो दिखने, मतलब जनता की तरफ जो है दुर्लभ कर देता है, घोड़े की तरह खच्चर इनको भी खुद आका जा रहा है। हाँ कभी कभार इतना जरूर होता है कि जब ये लोग आते हैं चलते रास्ते में तो रास्ता नहीं मिलता तो कभी इनकी जबान फिसल जाती है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ भी हो, कितना भी कष्ट हो, अपनी जुबान आप सही रखें, आप गलत व्यवहार न करें। आप हजार नहीं लाखों खच्चर घोड़े वाले भी अगर अपनी आवाज उठाओगे कोई सुनने वाला नहीं। अगर 1 या 10 11 खच्चर वाले गलती कर दी, अपने बचाव में किसी हाथ छोड़ दिया तो समझ लो आप तो सीधे जेल चले जाओ फिर तो, इसलिए अपनी जबान तो। चलिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। और बाकी हाल चाल आप देखिए रहे पुना गांव की ओर या लोकार्पण जो भी भाई आए हैं, मैं बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ सबकी तरफ से कि हम गरीबों की आवाज आप उठा रहे हैं। जो आपका तहे दिल से सब पूरी जितने भी जनता है, मैं सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारी ये परेशानियां दिखा रहे हैं, जो मतलब यहाँ पे हमारे पर अत्याचार हो रहा है, सब सबकी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे बहुत आते हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे अपने मतलब व्यू दिखाने के लिए आते हैं, मतलब जो वो दिखाते हैं, पर कोई समस्या दिखाने के लिए आपका सबसे बड़ा धन्यवाद है। और ये चीज जरूर उन अधिकारियों और उन नेताओं तक पहुंचे कि जो मतलब यहाँ की समस्या दिखा रहे हैं, और जितने भी लोग हैं सब लोग ऐसे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, जो हमारी समस्याओं को उठा रहे हैं उनको मतलब दिखा रहे हैं। आपका दिल से धन्यवाद। माँ यमुना आपके चैनल को इतना TRP दे, इतना मतलब वो दे कि मतलब जो हम गरीबों की आवाज आप उठा रहे हैं, धन्यवाद दिल से आपका। जय यमुना माँ। हाँ।